हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज़ हरविंदर कौर एंड आवर इंग्लिश टीचर. सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दी चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ फ्रॉम टैबलेट टू टैबलेट. इट इज़ गिवन ऑन द पेज नंबर 6 इन योर बुक्स. सो लेट स्टार्ट इट. ओके, फर्स्ट आपको स्टार्टिंग में 3 लाइन्स बताई गई हैं जो इस पूरी ओवरऑल स्टोरी के बारे में बता रहा है कि ये स्टोरी में एग्जैक्टली हम क्या पढ़ने वाले हैं. ओके, द नीड टू रिकॉर्ड एंड ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन इन रिटन फॉर्म इज़ वेरी ओल्ड एंड ह्यूमंस. देखो, पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, हर चीज़ को एक रिटन फॉर्म में रखते थे. बट नाउ अब क्या है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे हमें अब रिटन फॉर्म की नेसेसिटी क्या है, कम होती जा रही है. ओके, हम सब कुछ हम लोग किस में स्टोर करके रखते हैं, कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं. तो अब रिटन फॉर्म की जो नेसेसिटी है वो कम हो चुकी है, क्योंकि बहुत ओल्ड बहुत ओल्ड फॉर्म का है जहाँ पे पहले रिटन कम्युनिकेशन होते थे, रिटन रिकॉर्ड्स होते थे. ओके, रीड दिस टेक्स्ट टू फाइंड आउट हाउ रिटन इंफॉर्मेशन हैज इवॉल्व ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. इस स्टोरी में पढ़ के हमको पता चलेगा कि जो रिटन फॉर्म था वो कितने सालों पुराना है, जो कि अब इस वाला पैटर्न हमारा चेंज हो चुका है. सो लेट स्टार्ट. वन फाइन मॉर्निंग अ गवर्नमेंट अकाउंटेंट वॉज हार्ड एट वर्क. एक बहुत सुबह का दिन था, बहुत सुबह हो रही थी. एक गवर्नमेंट अकाउंटेंट था जो बहुत ही हार्ड वर्कर था, एक अपना हार्ड वर्क कर रहा था. अ फार्मर हैड टू बी पेड. द अकाउंटेंट टुक अप हिज कर्व रीड स्टैम्प एंड मेड वेज शेप मार्क्स ऑन अ 9 सेंटीमीटर पीस ऑफ मॉइस्ट क्ले. आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, एक फार्मर है. ठीक है, ये फार्मर क्या करता है, एक अपनी कर्व रीड लेके, जो उसके हाथ में आप लोग देख सकते हैं, इससे लेकर के क्या है, कील शेप का मार्क कर रहा है इस क्ले के ऊपर. ठीक है, इस मॉइस्ट क्ले के ऊपर वो क्या कर रहे हैं, कील का निशान बनाता जा रहा है. ठीक है, ही मेड अ स्टिक फिगर विद अ नरेशन बोल फॉर द मैन. एक तरीके से क्या है, जितने भी निशान बना रहा है तो उसको एक पक्के निशान बनाता जा रहा है, जिससे कि ये निशान सालों साल रह जाए. ऐसा नहीं है कि इसने एक बार निशान बनाया और वो साफ हो गया, ऐसा नहीं. ये निशान इतने पक्के बना रहा है कि निशान ये सालों साल दिखाई दे. ठीक है, देन ही मेट क्रिसेंट. क्रिसेंट का आपको मीनिंग दिया हुआ है, कर्व शेड विद पॉइंटेड एंड्स लाइक द मून इन इट्स फर्स्ट और द लास्ट क्वार्टर. देन ही मेट क्रिसेंट्स फॉर डेज एंड राइजिंग सन बिटवीन हिल्स टू रिकॉर्ड द टाइम ऑफ द डे. अभी अपने क्ले के अंदर, अपने पेंटिंग के अंदर ये सब क्या है, एक रिकॉर्ड बनाता जा रहा है, जैसे कि कभी एक सन दिखाई देना, जिससे कि हमको पता चल सके कि ये पेंटिंग दिन में उगते, जैसे इसने बोला फाइन मॉर्निंग, तो सुबह के टाइम पे क्या होता है, सूरज निकलता है, सूरज उगता है, तो वो सब ये अपनी पेंटिंग से बनाता जा रहा है, जिससे कि हमें पता चले कि एक ये टाइम ऑफ द डे की पर्टिकुलर टाइम की भी इसमें बात करी गई है. फाइनली एज अ मैन वॉज पेड इन बार्ली. ठीक है, ये वाला मैन कहाँ पे रहता था, बार्ली में, वहाँ पे इसको जो भी इसका आज ये काम करता था, तो काम करने के बाद क्या होता है, पे किया जाता है. तो इस मैन को बार्ली एक जगह है वहाँ पे ही पेड किया जाता था. ही मेड अपराइट जार्स फॉर द पेमेंट. और ये साथ ही साथ में एक जार बनाता जाता था, तो जार में इसके पैसे डाल दिए जाते थे. ही देन बेक द पीस इन अ क्लिन फायर. किल्न का मीनिंग आपको दे रखा है, अ लार्ज ओवन फॉर बेकिंग क्ले ऑब्जेक्ट्स. किल्न क्या है, एक तरीके से ओवन है जिसपे जो क्ले, जो अपन क्ले के जो ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, पहले उसको उस पर ओवन में डाल के इसको बेक करता था, ताकि ये हमेशा सालों साल चल सके, ये टूटे ना. ठीक है, 6,000 years later, his handiwork was found at an excavation site in Iraq. भाई 6,000 सालों बाद, 6,000 years later, his handiwork, इसके हाथों से जो बनाई गई, जो क्ले का जो वर्क था, वो इराक में पाया गया. जब हमने इराक में एक साइट को खोदा गया, तो खोद कर इसकी हमने पेंटिंग निकाली गई, तब हमको 6,000 साल बाद. दिस फ्रेगमेंट द क्ले टैबलेट
इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड. और ये क्या था, एक तरीके से रिटन कम्युनिकेशन था, एक रिटन पेंटिंग थी जिसके थ्रू हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी कि भी पहले के ज़माने में लोग हर सब चीज़ों को खोद खोद कर या लिख लिख करके एक तरीके से उसका रिकॉर्ड बनाया करते थे. ओके, दैट लिटिल क्ले टैबलेट वॉज एज नेसेसरी देन एज अ टैबलेट कंप्यूटर. और उस टाइम पे ये जो क्ले टैबलेट था, एक तरीके से जो आज हमारे पास टैबलेट्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, उस तरीके से ये क्ले टैबलेट हुआ करता था जिसपे लोग, ठीक है, जिसपे लोग अपने निशान बना दिया करते थे ताकि उनका रिकॉर्ड रह जाए. और जब वो उतने सालों बाद जब वो इन रिकॉर्ड्स को देखे तो उन्हें वो सब चीज़ें याद आ जाए. जैसे क्या होता है, आप अपने कंप्यूटर में काफ़ी सालों का डेटा स्टोर करके रखते हैं तो उस डेटा को देख के आपको क्या है, इतने सालों को पुराने का रिकॉर्ड याद आ जाता है. द सेम वे ये क्ले टैबलेट था जिसमें इसने अपने निशान बनाए, जिसको देख करके इसको अपने उस टाइम के रिकॉर्ड सारे याद आ जाते थे. ओके, आईपैड और लैपटॉप इज नाउ, अब हमारे पास क्या होता है, कंप्यूटर है, आईपैड है, टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, जिसमें हमारा सारा डेटा स्टोर होता है. राइटिंग हैज़ कम फुल सर्किल फ्रॉम टैबलेट टू टैबलेट, इससे क्या है, इसने पूरा एक सर्कल बनाया टैबलेट टू टैबलेट. नाउ वी हैव डेटाबेस, डेटाबेस के नीचे आपको मीनिंग दिया हुआ है, ऑर्गेनाइज सेट्स ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, स्टोर किया जाता है, डेटाबेस क्या होता है, एक तरीके से कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं पूरा डेटा. ओके, इन द कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन दैट ऑर्गेनाइज एंड रिकॉर्ड द डेटा दे हैव रिप्लेस द एशियंट अकाउंटेंट सिस्टम. ठीक है, इस अब जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, जो हमारे लैपटॉप्स हैं, इन्होंने क्या कर दिया है, जो पहले के जो एशियंट मतलब पुराने ज़माने के जो अकाउंटेंट सिस्टम होते थे उनका काम क्या कर दिया, इन्होंने रिप्लेस कर दिया, मतलब उसको हटा करके हमारे क्या डेवलप्ड हो गए, लैपटॉप्स, आईपैड्स, टैबलेट्स. ओके, इट हैज़ बीन एन एक्साइटिंग जर्नी ऑफ ह्यूमन इंक्वायरी एंड इन्वेंशन. ये हमारे लिए क्या है, एक तरीके से वो हमारी एक्साइटिंग जर्नी है जिसमें हमको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं. विदाउट रिटन कम्युनिकेशन द ह्यूमन वर्ल्ड कैन नॉट हैव एग्जिस्टेड. ठीक है, बिना रिटन कम्युनिकेशन के ह्यूमन वर्ल्ड क्रिएट नहीं हो सकता, नहीं जी सकता. एप्टली द वर्ल्ड टैबलेट कम फ्रॉम द एशियन हेब्रू वर्ड टैबहील. ठीक है, जो वर्ड टैबलेट है, ठीक है, जो वर्ड हमारा टैबलेट है, ये कहाँ से आया गया है, कहाँ से आया है, ये फ्रॉम द एशियन हेब्रू वर्ड से आया है, टैबहील. ठीक है, टैबहील वर्ड से ये टैबलेट वर्ड हमारा आया है, जो इतना पुराना वर्ड है. क्या पहले बोला जाता था टैबहील और अब क्या बोला जाता है, टैबलेट. और द वर्ल्ड लैंग्वेज का मीन क्या है, पीपल हु स्टडी लैंग्वेजेस. ठीक है, जो लोग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ते हैं उनको बोला जाता है लैंग्वेस्ट. ऑल्सो थिंक इट केम फ्रॉम द लैटिन टेबुला मीनिंग बोर्ड और फ्लैट टेबल. लैंग्वेस्ट का माना जाता है कि जो टैबलेट वर्ड है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, दैट इज टेबुला, जिसका मीनिंग है बोर्ड, ठीक है, और फ्लैट टेबल. ठीक है, जो लैंग्वेस्ट ऐसा मानते हैं कि जो टैबलेट वर्ड है ये वर्ड टैबुला से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या है, बोर्ड और फ्लैट चपटी टेबल. ठीक है, टेबल. इट वॉज इन 1984 दैट वी गॉट द टर्म टैबलेट कंप्यूटर्स फॉर द एक्साइटिंग न्यू कूल टूल ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन. ठीक है, 1984 में ऐसा माना जाता था कि एक बहुत ही कूल टर्म है, ठीक है, जो कि ह्यूमन कम्युनिकेशन के यूज़ में आती है. सिंस देन टैबलेट्स हैव बिकम मैन बेस्ट डिजिटल फ्रेंड. और इस तरीके से जो टैबलेट है ये मैन का क्या है, बहुत ही बेस्ट डिजिटल फ्रेंड बन चुका है. नाउ टच स्क्रीन्स हैव ट्रांसफॉर्म द वे वी पुट अवर थॉट्स डाउन ऑन डिवाइसेस. अब टच स्क्रीन ने हमारा और भी काम आसान कर दिया है. पहले तो हमें फिर भी बोल बोल कर चीज़ें बताई जाती थी, अब सिर्फ टच किया और हमारा काम हो जाता है. किड्स बोर्न अ फ्यू ईयर्स अगो प्रोबेबली हैव नेवर सीन अ मोबाइल फ़ोन विद अ कीपैड. भाई इतने जो बच्चे जो इतने साल पुराने पहले पैदा होते थे तो उनको तो उन्होंने तो कभी मोबाइल फ़ोन भी नहीं देखा कीपैड वाला. और अब जो बच्चे पैदा होते हैं वो शुरू से कैसे मोबाइल देखते हैं, टच स्क्रीन्स वाले. टेक्नोलॉजी कंटिन्यूस टू इवॉल्व एट एन अनइमेजिनेबल पेस.
वी नाउ टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट गैजेट्स विल बिकम स्मॉलर एंड मोर पावरफुल एंड स्क्रीन्स विल बिकम हायर सॉरी एंड स्क्रीन विल बिकम लाइटर थिनर एंड इवन फ्लैक्सीबल. देखो अब टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो हो रही है. पहले दूसरे तरह के टेलीविजन होते थे, और अब टेलीविजन कैसे आते हैं, बिल्कुल फ्लैट एंड फ्लैक्सीबल स्क्रीन्स आती हैं, बिल्कुल फ्लैट स्क्रीन्स आती हैं. तो क्या है, धीरे 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 क्या है, सबका डेवलपमेंट होता जा रहा है, बहुत फास्ट चेंजेस होते जा रहे हैं. इमेजन अ स्क्रीन द साइज ऑफ अ न्यूज़पेपर दैट यू अनरोल एंड रीड एज इट कॉन्स्टेंटली गेट्स अपडेटेड विद द लेटेस्ट न्यूज़. आप लोग देखते हैं कि जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर का पेज कितना थिन होता है, कितना पतला होता है, फिर आप उसको बार बार रोल करते जाते हैं, मतलब बार बार उसको पलटते जाते हैं और आपके सामने न्यूज़ आती जाती है. बट अब क्या है, आपके मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू आप अपने टेलीविजन्स में बस उस स्क्रीन को ऐसे स्क्रॉल करना और उसको आप न्यूज़ को पढ़ते जाते हैं. आपको न्यूज़पेपर की भी रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है, क्योंकि हम सारी की सारी न्यूज़ किस में से पढ़ लेते हैं आजकल, टेलीविजन्स और मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू. ओके, मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन गैजेट्स वी नाउ आर यूजुअली कैरीड जस्ट एज वी कैरी बुक्स. अब हम जितने भी हमारे कम्युनिकेशन गैजेट्स हैं उसको हम कैरी कर सकते हैं, जैसे हमारी एक बुक को कैरी करके कहीं भी लेके जा सकते हैं, उसी तरीके से अब हमारे जितने भी कम्युनिकेशन के गैजेट्स हैं उसको अभी हम कैरी कर सकते हैं. How exciting it will be to wear them. Think of smart watches, smart glasses, and even smart jackets. Imagine reading and writing an email while looking straight ahead and talking to your glasses. ठीक है, आप देखो हमारे लिए कितना read and write करना, ठीक है, पहले हमको हर चीज़ written में देनी पड़ती थी, जैसे पहले हमें letter courier के through भेजते थे, अब हम क्या करते हैं directly email किया और हमारा email दूसरी company के पास फटाफट से instantly पहुँच जाता है. When we can go a little further, scientists are busy exploring deep inside the brain. ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं. जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो बिजी हैं कुछ ना कुछ खोजने के लिए, कुछ ना कुछ भाई देखने के लिए कि आगे और फर्दर क्या इन्वेंशन हो सकते हैं. Through brain scans, they have already identified different patterns associated with different activities, emotions and objects. So, maybe not too much into the future, we will be able to communicate just by reading minds. अब आने वाला जो हमारा फ्यूचर है, ठीक है, इतना ज़्यादा ग्रोन अप हो रहा है और इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी फास्ट हो रही है कि हम अब सिर्फ माइंड को देखकर, माइंड को समझ के हम सबकी बातें रीड कर सकेंगे कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है. अब हमें उसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. Sounds a bit too far. Fast like sky five fantasies. अब क्या बन जाएगा, sky five fantasies बन जाएगी कि अब सिर्फ हम एक human beings की तरफ देखेंगे और उसके दिमाग में जितना भी सब चल रहा होगा उसको भी हम पढ़ सकेंगे. But a lot of it is already here. But हमारे पास आज भी बहुत कुछ है. Futuristic gadgets like Google glasses that allow you to send messages by speaking or handheld devices that can translate up to 40 languages are now available. ठीक है, आप देखो हमारे पास ज़रूरी नहीं कि अब हम सारे मैसेज लिख करके ही सेंड करें, कुछ मैसेज हम क्या करते हैं हमारी वॉइस मैसेज भी हम भेज सकते हैं, इतना अब हमारे पास डेवलपमेंट हो चुका है. और आप जिस भी लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में अपने मैसेजेस को ट्रांसलेट करके सेंड कर सकते हैं. सो यू नेवर नो व्हाट द फ्यूचर विल ब्रिंग. हमें नहीं पता हमारा फ्यूचर हमें कहाँ लेकर के जा सकता है, हमारे फ्यूचर में और कितने चेंजेस आ सकते हैं, हमें कुछ नहीं पता कि हमारी टेक्नोलॉजी कितना ग्रो करेगी, हमारे फ्यूचर में और कितने सारे डेवलपमेंट्स आएंगे, कितने सारे चेंजेस आएंगे. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज़ फिनिश हियर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. द एक्सरसाइजेस एंड द क्वेश्चन आंसर्स विल बी प्रोवाइडेड इन द PDF फॉर्म. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.